तो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टुगेदर वे 1 ग्राम. तो वी नो 1 kg, वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वे 9.1 × 10⁻³⁻³ kg. सो 1 kg विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 × 9.1 × 10⁻³⁻³ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो 1 kg में इतने हैं, तो मैं कह सकता हूँ 1000 ग्राम्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1000 ग्राम में से अगर मुझे 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए इट विल बी 1 upon 9.1 × 10⁻³⁻³ इंटू 1000. तो दैट विल बी 1 ग्राम विल हैव कितना आया? 10/91 वो तो × 10⁻²⁸ हो जाता, और ऊपर जाके 10⁻²⁸ हो जाएगा. नहीं, 28, ठीक है ना? नहीं यार, हाँ. तो 1.09 वन 10^27 1.09 × 10⁻²⁷ इलेक्ट्रॉन. तो ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन था, तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. और इसको हमें याद रखना है कि कैलकुलेट करके कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितना मास, कितना चार्ज है. उसका सेकंड पार्ट कह रहा है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज सेइंग कैलकुलेट मास एंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये तो सिंपल है. यू नो 1 इलेक्ट्रॉन का वेट है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो 1 मोल के अंदर कितना होगा? दिस विल बी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई. तो हमारे पास आ जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास. ठीक है, दिस विल बी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट शुड कम अराउंड 96487 कूलम आना चाहिए. ठीक है, तो एक्चुअली ये कांस्टेंट भी होता है, नोन एज फैराडेज कांस्टेंट, विच यू लर्न इन 12th क्लास. ठीक है, ये हो गया चार्ज ऑन 1 मोल. ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल कैसे निकाला? 1 मोल का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल के मल्टीप्लाई बाय 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई किया. अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल निकालने के लिए वी विल डू 9.1 × 10⁻³⁻ मल्टीप्लाइड बाय 6.022 × 10⁻³. मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वी विल गेट कितना आएगा? 54.8 × 10⁻⁸ kg. ठीक है, सो ये दो पार्ट्स क्लियर हैं, येस और नो? ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के ज़्यादा हैं और चैप्टर 2 के कम हैं. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मेथेन. ठीक है, तो कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल मेथेन. तो इसका आंसर में हम बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल मेथेन, तो दैट मीन्स 6.022 × 10⁻²³ ऑफ CH4. ठीक है, वी नो 1 CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने होते हैं? 6, और हाइड्रोजन में हो गए 4, 4 हाइड्रोजन में 4, तो टोटल हो गए 10. एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल में कितने होंगे? तो इसको तुम यूनिटरी से कर लोगे, सिंपली लिख लोगे 1 C मॉलिक्यूल हैज 10 इलेक्ट्रॉन, सो 1 मोल विल हैव, 1 मोल विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6.022 × 10⁻²³ × 10, क्योंकि 1 में 10, तो इतने में कितने? इंटू 10, तो ये आ गया 6.022 × 10⁻²⁴, 6.022 × 10⁻²⁴ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ कार्बन 14. कार्बन 14 की बात कर रहे हैं. अब वी नो 7 mg ऑफ कार्बन 14 का मोल्स कितने होंगे? हम पे 1.5 × 10⁻¹⁹
तुमने पहले इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 7 × 10⁻³ ग्राम्स हो गए, ठीक है। ये हो गया मास, तो मोल्स कितने होते हैं, मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, तो 7 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन, दैट इज 14 ग्राम पर मोल, कार्बन 14 है तो मास उसका 14 होगा, तो मोल्स कितने हो गए, 0.5 × 10⁻³ मोल्स, ठीक है। मोल्स आने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 14 है, तो वी नो एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन, तो हम बोल सकते हैं 6 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। मॉलिक्यूलर मास कैसे, ये तो एटम है ना, नहीं वो तो एटम नहीं आते ना, ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन हो गए 8, तो हम बोलेंगे वन हैज, वन कार्बन 14 हैज 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो 0.5 मोल, 0.5 × 10⁻³ यानी कि 0.005 मोल्स विल हैव 8 × 0.005 मोल न्यूट्रॉन्स, तो दैट इज 8 का 0.005 कितना होगा, हम इसको बोल सकते हैं 5/1000 × 8 यानी कि 40/8, तो यानी कि 0.04 न्यूट्रॉन मोल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अभी भी मोल चल रहा है, तो हमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो 0.04, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, तो दिस विल गिव अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 24.808 × 10⁻⁴ −2, तो ये हो गया था 10⁻²⁰ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बोलो ये क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए मेरे पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो अब मेरे को ये भी पता है कि मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, तो मास ऑफ 24.08 × 10⁻²⁰ न्यूट्रॉन विल बी सिंपली मल्टीप्लाइंग इट 1.67 × 10⁻²⁰ −27 × 24.08 इंटू पावर कट के आ जाएगा 10⁻⁶ −6 kg में, तो 1.67 × 24.08 कितना आएगा, 24.08 40.2 × 10⁻⁶ kg, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बाद में करना। अच्छा एक गड़बड़ यहाँ पे है, ये कि ये पूछना चाहिए था 0.005 मुझे लिखना चाहिए था, एक क्योंकि 0.005 होता है, ठीक है भाई, 0.005 होता तो यहाँ पे एंड में एक जीरो यहाँ पे और होता और ये 20 होता, ये 20 होता, 20 होता और 20 और ये 7 आता, 7 आएगा, साइंटिफिक में बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसको करेक्ट कर लेंगे, 0.005 नहीं 0.005 होता है, यहाँ पे भी जीरो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम, सेम जैसे हमने पहले किया है, 2.2 का थर्ड पार्ट वैसे ही होगा, इसमें बस
अमोनिया के बने, तो पहले हम मोल्स ऑफ अमोनिया निकालेंगे. मोल्स ऑफ अमोनिया मिलीग्राम, तो 10^-3 ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17. तो मोल्स कितने आ गए, 17 ग्राम पर मोल. और मोल्स आ गए हमारे पास 2×10^-3 मोल्स. मोल्स आने के बाद वो कह रहे टोटल नंबर एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स. तो NH3 में कितने प्रोटॉन्स है, 7+3 10 ही है. तो हम कह सकते हैं 10 प्रोटॉन्स आ गए, तो इसके अंदर 1 मोल अमोनिया विल हैव 0.002 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल. तो अगर हम बात करें सॉरी क्या बोलते हैं, 1 मोल अमोनिया हैज 6. इसको भी करने की जरूरत नहीं. 1 मोल अमोनिया हैज 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक अमोनिया में 10 हैं, तो 10 एक मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें 2×10^-3 मोल अमोनिया विल हैव 2×10^-2 मोल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और अगर इसको मुझे एक नंबर निकालना है तो बस मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 2×10^-2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज 6.022×10^23. तो आंसर आएगा 12.044×10^-21. ये आ गए हमारे न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आने के बाद हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो टोटल मास निकल जाएगा. कैसे, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इज 1.67×10^-27 kg. ठीक है, तो दिस इज मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. तो यूनिटरी मेथड लगा के यू कैन फाइंड मास ऑफ दिस मेनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास ऑफ 12.044×10^21 न्यूट्रॉन्स विल बी 1.67×10^-27 मल्टीप्लाई बाई 12.044×10^21. ठीक है, दिस विल गिव अस आंसर कितना आएगा, 1.67×20.11×10^-6 kg. ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड. अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किए जाते हैं तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा, तो नो. प्रेशर और टेम्परेचर से वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है. 22.4 लीटर एसटीबी से वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, इससे मास और मोल्स पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो वी विल से नो इस चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ओनली चेंज वॉल्यूम ऑफ गैस, नो चेंज on mass by changing pressure and volume. Question कह रहा है how many neutron protons are there in the following nuclei? Carbon 13, 6. तो देखो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 13 है. प्रोटॉन इज 6, तो न्यूट्रॉन्स आर 7. सिमिलरली ऑक्सीजन 16 or 8 है, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज 16. न्यूट्रॉन निकाल लेंगे अगर प्रोटॉन 8 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इज. ठीक है, सिमिलरली आगे कंप्लीट जल्दी से करते जाओ. मैग्नीशियम 24, 12.
न्यूट्रॉन प्लस 12 प्रोटॉन इज 24, न्यूट्रॉन प्लस 12 इज 24, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बाद हमारा है आयरन 56 और 56 26, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज 56, न्यूट्रॉन प्लस 26 इज 56, प्रोटॉन इज 30। लास्ट ट्रॉन्शियम 88 और 38, तो न्यूट्रॉन डायरेक्ट हम बता सकते हैं इस बार 50। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं, जितने भी प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी थे, क्योंकि ये सारे आटम्स हैं। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 थे, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 8 थे। ठीक है, और ऐसे इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, दैट इज 12। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, दैट इज 26। आते हैं हम, देखो अब एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ टॉपिक। टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारे कुछ पार्ट्स थे। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर चलते हैं। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, और इस केस में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं हमारी इलेक्ट्रिक, इसके अंदर सबसे पहली आती है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ में तुम्हें याद रखना है इसकी कॉमन जो यूनिट्स यूज करी जाती हैं वो है नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर और एंगस्ट्रॉम इज 10^-10 मीटर। ठीक है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉफ एंड टू क्रेस्ट, एक कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? बनाना है, ये बैठना नहीं है, देखना नहीं है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, न्यू, न्यू थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जितना टाइम एक वेव को पूरा कंप्लीट होने में लगता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 per second। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। अब आता है तीसरी चीज, दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ EMW। ठीक है, EMW, स्पीड ऑफ EMW को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी इसे स्पीड ऑफ लाइट भी बोल देते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो C लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू C, ये हमारा फॉर्मूला रहता है जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग, फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज दिस, वेवलेंथ इज गिवन टू बी 580 नैनोमीटर,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है, ठीक है. वेव नंबर इज 1 बाय वेव लेंथ. वेव नंबर का भी फॉर्मूला लिख ले, 1 बाय वेव लेंथ. ये होता है कि एक मीटर में कितनी वेव आती है, एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव आती है, दैट इज वेव नंबर. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये एक यूनिट डिस्टेंस ले लिया, इसमें कितनी कंप्लीट वेव्स आती हैं, दैट इज़ वेव नंबर. जैसे सपोज यहाँ पे चार वेव आ रही हैं, तो ये इसका वेव नंबर चार का. इसको निकालने के लिए वेवलेंथ से को वन से डिवाइड कर देते हैं, नहीं वन को वेवलेंथ से डिवाइड कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं. अब न्यू निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा बाय आवर फॉर्मूला. ठीक है, सी क्या होता है, 3 × 10⁸ और 580 नैनोमीटर, तो 580 × 10⁻¹ मीटर में. तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आया, 3 / 580, इट कम्स आउट टू बी 5.17 × 10⁻³. 10⁻¹ × 10⁻², ठीक है, और हर्ट्ज में आ जाएगा. एक सेकेंड, ये आएगा 10⁻³ और 10⁴ हर्ट्ज. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वेव नंबर निकालना चाह रहे हैं, तो वेव नंबर निकालने के लिए हम करेंगे 1/वेवलेंथ, दैट इज 580 नैनोमीटर में 10⁻¹. ठीक है, और तो 1/580 कर लेंगे, तो इट विल बी 1.7 × 10⁻⁹ मीटर इनवर्स. ठीक है, अब एक टॉपिक था, और वो टॉपिक था प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ठीक है, उसको भी रिवाइज कराता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं. प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, इसके अंदर क्या था कि हमने एक बॉडी ली थी, फॉर एग्जांपल एन आयरन रॉड. एक आयरन रॉड को वी हीटेड, हम उसको हीट करते हैं, और हीट करने से क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर पे पहुंचता है. हाई टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद इट स्टार्ट्स एमिटिंग इट लाइट, है ना, ये लाइट को एमिट करने लगता है. तो पहले ये कौन से डल रेड पैकेट एमिट करता है, फिर ये एमिट करता है ब्राइट रेड, फिर ये एमिट करता है वाइट, फिर ये एमिट करता है ब्लू. तो द थिंग इज, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते करते इसके अंदर अलग अलग कलर की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एमिट होती है. ऐसी बॉडी, बॉडी दैट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब, ठीक है, अ बॉडी दैट एमिट्स, जो रिलीज करे और एब्जॉर्ब करे ऑल दी वेवलेंथ, ऑल दी कलर वेवलेंथ, सारे कलर, ऑल दी colors absorbs and emits wavelength of all the colors, या फिर ऐसे लिख लो, absorbs wavelength of every color is called a black body. उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी. ऐसी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट तो नहीं करती जो सारे कुछ एब्जॉर्ब करे और सारे कलर एमिट करे. फॉर एग्जांपल ये जो आयरन की रॉड भी है, जो ये आयरन की रॉड है, वो भी रेड रेड वाइट ब्लू ऐसे कलर्स एमिट कर रही है, सारे के सारे ये नहीं हो रहे ग्रीन येलो ऑरेंज. तो ऐसी एक आइडियल ब्लैक बॉडी तो नहीं होती, पर एक एग्जाम्पल हमने बना रखा है दिमाग में, एक ब्लैक बॉडी वो होगी जो सारे कलर एब्जॉर्ब या एमिट करे. पर इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता ये चलता है कि देखो, लाइट को पहले अब्जॉर्ब कर लिया गया, पहले एनर्जी को ही अब्जॉर्ब कर लिया गया हीट की फॉर्म में, एंड देन उसको एमिट किया गया. तो वी कैन से प्लैंक ने ही इसको देखा, दैट प्लैंक सजेस्टेड दैट लाइट
कैन बी एब्जॉर्ब, लाइट नहीं, लाइट नहीं, एनर्जी, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, डिस्क्रीट यूनिट्स यानी कि पैकेट्स, एंड ही कॉल देम क्वांटम. ठीक है, इन केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की बात करें तो पैकेट ऑफ एनर्जी इज क्वांटम. पैकेट ऑफ एनर्जी क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी इज क्वांटम. एनर्जी को क्वांटम में के पैकेट्स बोलते हैं. और पैकेट ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पैकेट ऑफ लाइट भी होना चाहिए. और पैकेट ऑफ लाइट को हम क्या बोलते थे? फोटोन. तो फोटोन इज नथिंग बट क्वांटम, अगर एनर्जी जो है वो लाइट को कंसिडर किया जा रहा है. तो इसी के साथ प्लैंक ने बताया कि एनर्जी ऑफ वन क्वांटम या एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग फ्रीक्वेंसी. और ये फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन का. तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी फाउंड यूजिंग फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को नहीं, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जो है इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10^-34 जूल्स पर सेकेंड. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन गिवन है ऊपर. ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 3×10^15 हर्ट्ज. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है ये, एनर्जी बोल रहा है, एनर्जी विल बी एच न्यू. एच इज दिस, न्यू इज दिस, टोटल कितनी आ जाएगी? सॉरी, नाइनटीन है ना, जूल्स. ठीक है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.98×10^-20 जूल्स. ठीक है, तो एनर्जी आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. सेकंड पार्ट कह रहे हैं विच हैव वेवलेंथ. अब वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ से भी निकाल सकते हैं. ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. तो एच इंटू सी, यानी कि एच तो हमें पता है एच पी एक कॉन्स्टेंट है, दैट इज 6.626×10^-34. और ये भी एक कॉन्स्टेंट है, दैट इज 3×10^8 है ना, मीटर पर सेकेंड. और अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ इस क्वेश्चन में कितनी गिवन है? वेवलेंथ इज गिवन टू बी 0.50 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम को मीटर में करें तो 10^-10 मीटर. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू मैं बोल रहा हूँ याद ही कर लो, ये वैल्यू. तो ये वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एच सी की वैल्यू तो डायरेक्ट लग जाएगी. तो एच सी की वैल्यू होगी 19.8×10^-26. और लैम्डा तुम्हें नीचे रखना है बस, तो दैट इज 0.5×10^-10 मीटर. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 19.8/5 कर दें और 10^-11 ऊपर ले जाएं, 11×10^-15 बचेगा. 19.8/5, 5, 3, 15 और 4, 48, 5, 9, 45, 3, 6, 3.96×10^-15 आई थिंक विल बी द एनर्जी यहाँ पे. इसके होमवर्क है 2.7 8
11। तो होमवर्क क्वेश्चंस, ये होमवर्क करके नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे, ठीक है।